हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका दूसरा बाप 41 से 51 आयत तक। और उसके वालिदैन हर साल ईद फसा पर यरूशलम को जाया करते थे, और जब वो 12 वर्ष का हो गया तो वो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलम को गए, और जब उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलम में रह गया। मगर उसके माँ बाप को खबर ना थी, बल्कि वो ये समझकर कि वो काफले में है एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे, और ना पाकर उसकी तलाश में यरूशलम को वापस गए। और उन्होंने 3 रोज के बाद उसे हैकल में उस्तादों के दरमियान बैठा उनकी सुनते और उनसे सवाल करते पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से मोहतजब थे, और वो उसे देखकर हैरान हुए। और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने हमसे ऐसा क्यों किया, देख तेरा बाप और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। और उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, क्या तुम्हें ये ख्याल ना था कि वो ज़रूर अपने बाप के घर में होगा। मगर जो बात उसने उनसे कही वो उसको ना समझे। तब वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि जब यूसुफ और मरियम ने वापसी का सफ़र शुरू किया तो उन्हें लगा कि यीशु उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ सफ़र कर रहा है, लेकिन जब रात हुई और उन्होंने यीशु को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों में ढूंढा तो वो उन्हें कहीं नहीं मिला, इसलिए वो यीशु को ढूंढने के लिए वापस यरूशलम गए। जब उन्होंने देखा कि यीशु मजहबी उस्तादों के बीच बैठा उनकी बातें सुन रहा था और उनसे सवाल पूछ रहा था, और वहाँ पर सब लोग यीशु की अकलमंदी पर दंग थे, तब मरियम ने यीशु से कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, देखो मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हें ढूंढते फिर रहे थे और इतने परेशान थे। यीशु को ताज्जुब हुआ कि उनके माँ बाप को नहीं पता था कि वो कहाँ था। उसने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं अपने बाप के घर में हूँ। इसके बाद यीशु अपने माँ बाप के साथ नासरत चला गया और उनका फरमा बरदार रहा। Radio Veritas Asia.